हेलो गाइज, मैं हूँ मदन और आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट है लोटा के साथ और अनार के साथ, और दोनों को एक साथ रखने पे क्या होगा। पहले अनार को जला देंगे, उसके बाद ऊपर से लोटा को रखेंगे और देखते हैं लोटा और अनार का रिएक्शन क्या होता है। तो चले गाइज, हम बुलाते हैं रंजय को। रंजय इधर आओ और बताओ इसके बारे में कुछ। तो गाइज इसके आगे रंजय कुछ बता रहा है इसके बारे में, तो सुन लीजिए आप लोग। तो गाइज ये जो अनार है इसको हम यूज करते हैं दीपावली या किसी के शादी पर। गाइज आज ना तो दीपावली है ना किसी की शादी, तभी भी हम आपको दिखाने के लिए ये यूज करेंगे कि इसको नीचे रख के और जलाएंगे और ऊपर से इस लोटे को रख देंगे और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। वो हमें भी नहीं पता है और ना मदन भैया को पता है, लेकिन देखेंगे और आप लोगों को भी आज दिखाएंगे कि क्या होता है। और देख लीजिए आज हमारे पास 2, 4 और 1, 5 अनार है और ये माचिस रहा, और आज जलाकर दिखाते हैं आपको। तो चलिए दिखाते हैं। चलो गाइज आप लोगों को अनार का रिएक्शन दिखाते हैं। तो गाइज ये है हमारे पास लोटा, और इसी लोटे के साथ हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो रंजय क्या है ये गोल्ड फ्लावर कॉक ब्रांड का है, रियल ब्रांड का है। एक पीस इसका पड़ा है 60 रुपये और पूरे का 300 रुपये। और देखते हैं आग लगा कर कि आज कितना बड़ा धमाल होता है और क्या होता है रिएक्शन, और हमें कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट कर ही देते हैं, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो गाइज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारा नया नया वीडियो आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो गाइज ये निकल गया है। नहीं लगा अभी पहली बार। ओ गाइज हमने लोटा रख दिया, देखो क्या होता है। जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन देखते हैं पलट के कि क्या हुआ है। पलट दे, पलट दो गाइस। इधर देखिए गाइस, लोटे का जो हालत है ना बहुत ही ज्यादा पूरा खराब हो गया है हालत गाइस। गाइज लेकिन एक अनार हमारे लोटा को कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मतलब इसमें हाँ मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाई एक अनार, जो लोटा बर्बाद नहीं हुआ और लोटा बच गया है। तो गाइज एक और अनार डाल के ट्राई करें इसको। हाँ कर लीजिए, एक और करने में क्या जाता है, देखते हैं पहले गर्म है या नहीं। गाइज ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर से एक अनार है जिससे हम आग लगाएंगे। गाइज ये लोटा गर्म है, तब तक के लिए हम लोटा को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर से एक अनार को लगाएंगे आग और उसके ऊपर से लोटा को रखेंगे, और देखते हैं दूसरी बार में लोटा को कुछ होता है या नहीं। तो गाइज रुकते हैं हम कुछ देर, 5 मिनट तक इसको ठंडा होने देते हैं। चलो रंजा इसको ठंडा होने दो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज हमारा लोटा अब ठंडा हो चुका है, लगभग 5 मिनट तक हम लोग बैठे हैं उसके बाद ठंडा हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। इतना ठंडा हो गया जो हम लोग काम कर सकते इसमें। और गाइज देखो ये अभी तक इसमें अभी तक आग लगी भी है। तो गाइज इस लोटे को तब तक हम इधर लाते हैं और दूसरी जगह पर फिर से लगाते हैं आग। रंजा इस बार हम आग लगाएंगे, उस बार कुछ नहीं हुआ था लोटा को, लेकिन इस बार देखते हैं लगा के यूज होता है या फिर नहीं। तो माचिस किसके पास लाइए, इस बार देखते हैं गाइस, हिम्मत बना के हम आग लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। गाइस कुछ हो जाए तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, गाइस शेयर जरूर कीजिए कि लोगों को पता चले कि हम लोग इस ऐसे वीडियो बनाते हैं। गाइस
गाइस ये देखो पूरा लोटा, लेकिन लोटा फिर भी अभी खराब नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पूरा गर्म हो गया था लेकिन लोटा अभी तक खराब नहीं हुआ है। ओहो गाइस देखो उस लकड़ी पे भी आग लग जाता है, इतना गर्म है। देखिए माचिस में भी आग लग जा रहा है, माचिस देखिए कैसे आग लग जा रहा है ये देख। और हम इस घास को रख के देखते हैं। अरे यार देखिए रुको गाइस, ये देखिए गाइस इतना ज्यादा गर्म है कि एक लकड़ी को भी धुआं धुआं कर दे रहा है। ये कच्चा है देखो गाइस, गाइस कच्चे घास को भी ये कैसे कर रहा है। तो गाइस हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म करते हैं अब इसको। लेकिन गाइस देखो अंदर का दिखा देते हैं, लोटा का क्या हालत हुआ अंदर से देखो। ये आप लोगों को अंदर सही से नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है लोटे की, और ये लोटा अब कामयाब नहीं है। और गाइस ये देखो ये इतना सा बचा है, और हमारे डीसी भैया को यही पीछे बैठे थे और आग लग गई है इसमें फिर से दोबारा। ऊपर से कहे सफ़ेद सफ़ेद हो गया है गाइस। हाँ ये देखो सफ़ेद टाइप का क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं ये किस वजह से होता है ऐसा। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।